आज हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स के बारे में तो एक सेल को हम स्टेम सेल कब कह सकते हैं जब उस सेल के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों पहला है सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि वो खुद को रिन्यू कर सकता है और दूसरा है पोटेंसी यानि कि वो कितने तरह के सेल बना सकता है स्टेम सेल जब डिफ्रेंशिएट होकर कोई दूसरा तरह का सेल बनाता है तब ये उसके साथ साथ खुद को रिन्यू कर लेता है यानी कि खुद का भी एक कॉपी बनाता है यह है सेल्फ रिन्यूअल। और दूसरा है पोटेंसी जो स्टेम सेल जितना ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है उस स्टेम सेल का पोटेंसी उतना ही ज़्यादा माना जाता है तो जितना तरह का सेल वो बना सकता है उतना ही ज़्यादा उसकी पोटेंसी है इस पोटेंसी के हिसाब से स्टेम सेल बहुत टाइप के होते हैं जो स्टेमसेल सबसे ज़्यादा पोटेंट है उसका नाम है टोटी सेल उसके बाद आता है स्टेम सेल उसके बाद आता है मल्टी स्टेम सेल उसके बाद आता है स्टेम सेल एंड लास्ट में आता है स्टेम सेल ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे इसकी पोटेंशी कम होती जाती है तो सबसे पहले आता है टोटी स्टेम सेल टोटी पोटेंट स्टेम सेल सबसे ज़्यादा पोटेंट है यानी कि यह सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिफ्रेंश हो सकता है ये टोटी पोटेंट सेल्स वो सेल्स हैं जो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है जैसे कि स्पोर्स एंड जाइकोट एक स्पॉन्ज के एक स्पोर से एक पूरा का पूरा स्पॉन्ज बन सकता है और वैसे ही एक ह्यूमन के एक जाइगोट से पूरा का पूरा ह्यूमन बन सकता है तो ये जाइगोट या फिर स्पोर एक टूटी पोटेंट स्टेम सेल है एक जायगोट तब बनता है जब एक ओवम को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है फर्टिलाइजेशन के बाद एक ही सेल बनता है जिसका नाम है जाइगोट। ये एक टूटी पोटेंट स्टेम सेल है यानी कि ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है ये जाइकोड डिफ्रेंशिएट होकर दो तरह का सेल बनाता है जिसमें से एक तरह का सेल है जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है वो सेल बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन यानी कि वो मेम्ब्रेन जो एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन देता है और दूसरे तरह का सेल भी बनाता है जिसका नाम है इनर सेल मास ये इनर सेल मास के जो सेल हैं ये बनाते हैं एम्ब्रयो ये पूरा का पूरा एम्ब्रॉयो को बनाता है और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रनिक मेम्ब्रेन है वो एम्ब्रायो नहीं बनाता है वो सिर्फ एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन देता है और उसे ज़िंदा रहने में मदद करता है और मदर की बॉडी में इम्प्लांट होने में भी सहायता करता है तो ये काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रनिक मेम्ब्रेन वाले सेल्स का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनर सेल मास है वो बनाया है एम्ब्रेयो को और जो इनर सेल मास है ये भी एक स्टेम सेल है जो पूरे के पूरे एम्ब्रे को बनाता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन के जरिए ये यूटेइन वॉल में इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद उस एम्ब्रा का डेवलपमेंट होता है तो ये टोटी सेल है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन और इनर सेल मास को बनाता है ये इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये एक दूसरे टाइप के स्टेम सेल्स हैं लेकिन इसका पोटेंसी टोटी सेल से थोड़ा सा कम है क्योंकि यह एक्स्ट्रा एम्ब्रिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकता है यानी कि यह एम्ब्राय तो बना सकता है लेकिन इसके एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता तो ये जो स्टेम सेल है जिसका नाम है प्लूडी स्टेम सेल, ये टोडी पोर्शन से थोड़ा सा कम है पोटेंसी में यानी कि यह पूरा का पूरा एम्ब्राय बना सकता है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रैनिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकता तो एम्ब्रा में जो भी सारे ऑर्गन्स होते हैं पूरा का पूरा बॉडी में जितने तरह के सेल्स होते हैं सारे के सारे सेल्स बन सकते हैं इस प्लोडिपोर्टन स्टेम सेल से इसका पोटेंसी काफ़ी हाई है लेकिन टोटिपोर्टन से थोड़ा सा कम ये प्लोडिपोर्टन स्टेम सेल तीन तरह के जर्म लेयर्स में डिफ्रेंशिएट हो सकता है यानी कि तीन तरह के लेयर्स के सेल्स इसी प्लोडिपोटन स्टेम सेल से बनता है जो है एक्टोडर्म मीजोटर्म एंड एंडोडर्म तीन लेयर्स ऑफ आर बॉडी ये तीनों लेयर के जो सेल्स हैं वही बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि एक्टोडर्मल सेल से बनता है हमारा स्किन हमारे हेयर और बहुत सारी चीज़ें यानी कि हमारी बॉडी का जो आउटर लाइन है वो बनता है एक्टोडर्म सेल से मेजोडर्म सेल से बनता है हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे बोन्स बनते हैं मीजोडर्म सेल्स हैं ब्लड सेल्स जितने सारे ब्लड सेल्स हैं वो भी बनते हैं मीजोडर्मिक सेल से हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो भी बनता है मीजोडर्मिक सेल से और हमारे जो मसल्स हैं यानी कि स्केलेटल मसल्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो भी बनते हैं मीजोडर्मिक सेल से और जो एंडोडर्म की सेल्स हैं वो बनाते हैं हमारी बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक लिवर पैनक्रियस और इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज बोथ इंटेस्टाइन सारे के सारे बनते हैं एंडोडर्म जमलेयर से यान कि एंडोडर्मिक सेल से आई मीन सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर भी कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेम सेल्स होते हैं लेकिन कोई भी प्लूरीपोर्टन स्टेम सेल नहीं है यानी कि या इसमें से कोई भी स्टेम सेल पूरे के पूरे बॉडी को डिफ्रेंश नहीं कर सकता है तो जो नेक्स्ट स्टेम सेल है प्लूडिपोटन के बाद वो है मल्टीपोर्टन स्टेम सेल जिसकी पोटेंसी प्लोडिपोटन स्टेम सेल से कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पोटेंसी होती है ये एक पर्टिकुलर लेनेज के ऑर्गन को या फिर सेल्स को बना सकता है जैसे कि अगर हम ले लें एक बोन को एक बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें कुछ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं ये स्टेम सेल्स बनाते हैं ब्लड को यानी कि ब्लड के जितने सारे सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स बनता है इसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स से डिफ्रेंशिएट होके मतलब ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल सारे के सारे ब्लड सेल को बना सकता है जिनमें आता है प्लेटलेट्स आर मोनोसाइट न्यूट्रोफिल योसिनोफिल बेजोफिल नेचुरल किलर सेल्स टी सेल्स एंड बी सेल्स सारे के सारे ब्लड सेल्स इसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से डिफ्रेंश होकर बनते हैं इसीलिए उस स्टेम सेल को जो बोन मैरो के अंदर रहता है उसे कहा जाता है पोटेंट स्टेम सेल अब ये पोटेंट स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होकर दो और स्टेम सेल को बनाता है यहाँ पे जो देख सकते हैं आप मायोलॉयड प्रोजेनिटर सेल एंड लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स ये दोनों भी स्टेम सेल्स हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी है और पोटेंसी भी है लेकिन इनकी पोटेंसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कम है यानी कि ये सारे के सारे ब्लड सेल्स को नहीं बना सकते हैं ये सिर्फ कुछ ब्लड सेल को बना सकते हैं जैसे कि माइल प्रोजेनिटर सेल बनाता है प्लेटलेट आरबीसी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल बेसोफिल एंडसनोफिल और लिफाइल प्रोजेनिटर बनाता है एनके सेल टी सेल एंड बी सेल लेकिन बाकी सेल को ये नहीं बना सकता यानी कि ये दोनों का कुछ लिमिटेशंस हैं यानी कि ये कुछ लिमिटेड सेल्स ही बना सकते हैं इसलिए इनका नाम है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स जिसकी पोटेंसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से थोड़ा सा कम है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल के बाद आता है द लास्ट टाइप ऑफ स्टेम सेल, जिसका नाम है सेल यूनिपोटेंट स्टेम सेल ये स्टेम सेल इसलिए है क्योंकि ये इस खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकता है और ये एक दूसरे टाइप के सेल में डिफ्रेंश हो सकता है लेकिन ये इस तरह का स्टेम सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल में डिफ्रेंश होता है इसीलिए इसका पोटेंसी बहुत ही कम है यानी कि ये यूनी है यानी कि एक ही तरह के सेल में डिफ्रेंश हो सकता है इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे स्किन में हमारे स्किन के एपिडर्मिस में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है उसमें मौजूद रहते हैं ये स्टेम सेल्स इसमें से सिर्फ स्किन सेल्स ही बनते हैं इसे कहा जाता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स तो अब पहले से एक बार रिकैप कर लेते हैं टोटी पोर्टन स्टेम सेल सबसे ज़्यादा पोटेंट स्टेम सेल है जिसका एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स और ह्यूमन के जाइगोट्स एक्सेट्रा जिसमें से बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन एंड एम्ब्रे यानी कि एक्टोटी पोर्टन सेल एक पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकता है इसके बाद आता है स्टेम सेल जो पूरे एम्ब्रियो के हर एक हिस्से को बनाता है जिसमें से बनता है एक्टोटम मीसोटाम एंडोटम यह फूल एम्ब्रियो और ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ एन एम्ब्रियो को बनाता है लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रेनिक मेम्रेन नहीं बनाता है थर्ड नंबर पे आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जिसका एक एग्ज़ाम्पल है सेल जिसमें से सारे के सारे ब्लड सेल्स बनते हैं जैसे कि आर बी सी डब्ल्यू सी एंड प्लेटलेट सारे के सारे ब्लड सेल्स मल्टीपोटन हीम सेल से बन सकता है स्टेम स्टेमसेल के बाद आता है ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल जिसका पोटेंसी मल्टीपोटेंट से थोड़ा सा कम है जिसका एक एग्ज़ाम्पल है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर जिसमें से बनता है कुछ टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सीज एन के सेल्स डी एंड बी सेल्स लेकिन हर तरह के ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं एंड लास्ट में आता है यूनिपोटेंट स्टेम सेल इस तरह के स्टेम सेल से सिर्फ एक टाइप का सेल ही बनता है और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे स्किन में हमारे स्किन में मौजूद ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ और सिर्फ स्किन सेल्स को ही बनाता है